हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपकी गाड़ी में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जो कि देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपका टायर अगर जाम हो जाता है, देखिए हम टायर को हिलाने की कोशिश करते हैं हाथ से, बट ये हिल नहीं रहा है और पूरी तरीके से जाम हो गया दोस्तों। बट इसके देखिए विपरीत मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, हम जब गाड़ी को चालू कर रहे हैं और ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका टायर घूम रहा है दोस्तों। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तब इसका टायर घूम रहा है, बट हम गाड़ी को जब बंद कर देते हैं तब इसका टायर नहीं घूम रहा है। देखिए, हाथ से हम पूरी ताकत से अगर इसे घुमाने की कोशिश भी करेंगे दोस्तों तो ये नहीं घूमेगा। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगा जो आपके गाड़ी में के दोस्तों, या आपकी आपका जो टायर है वो घूम नहीं रहा है और फ्री नहीं घूम रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, बहुत सारी गाड़ियों में कभी कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है दोस्तों, जो आपका जो ब्रेक शू होता है उसका जो लेदर होता है वो उखड़ जाने की वजह से ऐसा आपका जो टायर है वो जाम हो जाता है। बट इस गाड़ी में ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों, इसका जो ब्रेक शू का लेदर वगैरह है वो ओके है, इसके ब्रेक शू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस दफ़ा ऐसा भी होता है दोस्तों कि अगर आपके जो कार जो आपका ब्रेक शू होता है उसका स्प्रिंग टूट जाता है, तभी भी आपका जो ब्रेक लाइनर होता है, जिसे ब्रेक शू भी कहते हैं या ब्रेक लाइनर कहते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, वो फंस जाता है और उसका स्प्रिंग अगर खुद टूट जाएगा तो फंस जाता है और आपका जो टायर है वो आपका घूमता नहीं दोस्तों, और ड्रम में फंस जाता है, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो ये तो कॉमन रीज़न है दोस्तों, आपका ब्रेक शू का लेदर उखड़ जाना या आपके स्प्रिंग टूट जाना ब्रेक शू की। और तीसरा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हो सकता है कि आपका जो केम जो होता है, जिसे ब्रेक का केम बोलते हैं, जिसमें आपका ब्रेक का केबल लगा होता है, वो जाम हो दोस्तों। अगर वो भी जाम होता है तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपका जो टायर है वो जाम हो जाएगा। बट ऐसी कंडीशन में दोस्तों, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कंडीशन में क्या होगा कि टायर गाड़ी चालू करने पर भी जल्दी घूमेगा नहीं, आपको बहुत एक्सीलेटर देना पड़ेगा तब जाके वो घूमेगा। बट इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, इस गाड़ी में क्या, हम देखिए डबल स्टैंड लगाते हैं और जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इसका टायर घूम रहा है, बट जब हम गाड़ी को उतार देते हैं और स्टार्ट करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं तो गाड़ी चलती नहीं है दोस्तों। तो इसमें कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम है, तो उसी के बारे में अभी हम देखेंगे। तो हमने इसका टायर वगैरह खोल कर देख लिया है दोस्तों, तो इसके टायर में कोई इशू नहीं है, इसका जो ब्रेक शू है वो भी ओके है, इसका स्प्रिंग भी ओके है, इसका जो केम होता है जो ब्रेक का वो भी ओके है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसका जो ब्रेक का केबल है वो भी जाम नहीं है। तो ये चारों चीज़ें आपको आपने अगर चेक कर ली हो, आपकी गाड़ी में अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है कि आपका टायर जाम होता है, तो ये चार चीज़ को आपको देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन चार चीज़ में से ही कुछ ना कुछ दोस्तों प्रॉब्लम आती है, बट अगर इसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी मैं आपको देखो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पांचवी चीज़ क्या चेक करनी है और छठी चीज़ क्या होती है। अगर आपके देखिए बेयरिंग अगर देखिए दोस्तों अगर टूट जाती है, जाम हो जाती है, तो टायर घूमता है, हाथ से घूमेगा, ऐसा नहीं है कि टायर हाथ से भी नहीं घूमता, घूमता है। बट इन सब कंडीशन में जो मैंने आपको चार चीज़ें बताया, उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपका जो टायर है वो नहीं घूमता दोस्तों। तो अभी तो हमने बहरहाल इसका देखिए क्लच कवर अभी खोल लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रही है और ये घूम क्यों नहीं रहा है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, बट क्या है, आप लोगों को पूरी डिटेल में बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो भी आपको बताना ज़रूरी है, वरना आपका ज़्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो हर किसी को पैसे कीमती होते हैं हर किसी के, क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं और आजकल तो आप देख ही रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, पैसे की बहुत तंगी है लोगों को। तो दोस्तों, हर किसी के इम्पॉर्टेंट है पैसे और वक्त, सबके इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अभी ये सब जो मैंने आपको रीज़न बताया, इनमें से कोई भी रीज़न नहीं है, ना इसका ब्रेक शू उखड़ा हुआ है, ना इसका ब्रेक का जो स्प्रिंग है वो भी नहीं टूटा हुआ है, ना इसका केम जाम है, ना इसका बेयरिंग टूटा हुआ है, और ना ही इसका केबल जाम है दोस्तों। तो अभी देखिए हम इसका क्लच खोलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है। तो क्योंकि ये हाथ से नहीं घूम रहा है, बट क्लच घुमाने पर, मतलब गाड़ी चालू करने पर घूम रहा है, तो इसमें अलग ही प्रॉब्लम है दोस्तों।
अगर बेसिक कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आपको ये सब चीज़ों देखनी है जो मैंने अभी आपको बताया, पांच चीज़ें आपको दिखाया। और अगर आपका टायर देखिए फ्री मोशन में घूम रहा है और आपकी गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपका जो बेल्ट होता है वो टूट जाता है, बट आपका टायर घूमता है। और कभी कभी क्या होएगा, फंस सकता है, हो सकता है कि आपका जो बेल्ट है वो टूटकर आपकी जो जो आपका पुल्ली होती है उसके ऊपर लिपट गई हो, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो कि आपका टायर ना घूमता हो। ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा भी कुछ हो सकता है, बट इसमें बेल्ट भी ओके है दोस्तों। तो ये देखिए हमने इसका जो क्लच कटोरा है इसको खोल रहे हैं, देखिए तो ये हमारा बहरहाल अभी खुल ही गया है। तो 17 नंबर का देखिए नट लगा हुआ है दोस्तों, और 17 नंबर के बॉक्स पाने से हम इसे खोल रहे हैं। और कैंची का इस्तेमाल आप देखिए, इस तरह का पुलर आता है, और ये आप देख सकते हैं ये जो क्लच असेंबली है दोस्तों ये पूरी तरीके से खुल गई है। तो आप देखेंगे देखिए, जैसे ही हमने इसको क्लच कटोरे को निकाला और इसके क्लच असेंबली खुल गई थी, और इसका जो नट है दोस्तों आप देखेंगे इसका नट जो है जो इसके ऊपर टाइट होता है तो ये खुल गया था दोस्तों। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी, हमने भी बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं जिसमें हमने क्लच वगैरह सब फिट किया है। तो अगर आपकी गाड़ी में स्कूटी है, स्कूटी एक्टिवा कोई भी आपकी जुपिटर वगैरह कोई भी गाड़ी अगर ऐसी होता है कि आपका अचानक से गाड़ी जाम हो जाती है दोस्तों और टायर नहीं घूमता है, तो आपको पहले तो वो सब चीज़ें देखनी है जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, और उसके बाद में आपको ये चीज़ चेक करनी है कि ऐसी कंडीशन में देखिए आप गाड़ी को अगर चलाते हैं तो दोस्तों आपका जो ब्रेक शू है, आपका जो पुल्ली है और आपकी जो बेल्ट वगैरह है, वेरिएटर का गोटी वगैरह है, सब ख़राब हो सकती है दोस्तों, सब डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके साथ में होता है तो आप गाड़ी को ना चलाइए, और अगर आपको चलाना भी है तो देखिए अगर चलती हो तो थोड़ी बहुत आप स्लोली चला सकते हैं, बट क्या है अगर आप स्लोली भी चलाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आपका जो ड्रम वगैरह है इसमें दिक्कत होगी दोस्तों, थोड़ा बहुत तो डैमेज हो जाएगा। अगर आप एकदम खंडर इलाके में फंसे हैं तब आप रिस्क लीजिएगा, वरना दोस्तों आप रिस्क मत लीजिएगा, उसे वहीं खड़ी। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों आप लोगों के लिए, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा होता है तो आप गाड़ी ना ही चलाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और ऐसी कंडीशन में काफ़ी चीज़ें डैमेज हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ सकता है, लगभग 6-7 हज़ार रुपये के आसपास में आपका पूरा खर्चा बैठ सकता है दोस्तों, क्योंकि पुल्ली, बेल्ट, वेरिएटर, क्लच शू वगैरह सब पूरा डैमेज हो सकता है, और इंजन भी आपका इंजन ब्लॉक पिस्टन पे भी फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लोड पड़ेगा तो क्या होगा, बैरिंग वगैरह ख़राब होंगी, साथ ही साथ पिस्टन पे लोड पड़ेगा, पिस्टन आपका ख़राब हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। तो आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकॉन का दबाना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज, बी हैप्पी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे वापस।